नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां खैरी घाट इलाके में रास्ते की जमीन को पैमाइश से रोकने एवं ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने के विरोध में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दिलीप वर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चौगोई गांव से रास्ते की जमीन और सार्वजनिक दुर्गा पूजा स्थल की जमीन की पैमाइश करने के लिए प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया था और इसी आदेश के तहत लेखपाल एवं खैरी घाट थाने के पुलिसकर्मी पैमाइश करने के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि रास्ते की पैमाइश के दौरान मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक दिलीप वर्मा दबंगई से पहुंचे और गाली गलौज करते हुए सरकारी कर्मचारियों के साथ हाथापाई की एवं मारपीट किया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व विधायक द्वारा किए गए गाली गलौज और मारपीट से ग्रामीण आक्रोशित हैं और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के विरुद्ध में पूर्व विधायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। फिलहाल सपा नेता पूर्व विधायक के खिलाफ खैरी घाट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। ग्राम चौगोई मजरे अली नगर में एक रास्ते के प्रकरण को लेकर के क्षेत्रीय लेखपाल संजीव कुमार स्थानीय पुलिस बल के साथ पैमाइश करने गए थे। जिन लोगों ने रास्ते में देशराज इत्यादि ने टटिया लगा करके रास्ते को रोक रखा था, तो पैमाइश के बाद उस टटिया को हटवाया जाना था, रास्ता को क्लियर कराया जाना था। इसी बीच जो लोग अवैध कब्जा किए थे उनके समर्थन में क्षेत्रीय विधायक पूर्व क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप वर्मा जी अपने अन्य साथियों के साथ पहुंच गए हैं और जाकर के वहां जो लेखपाल और पुलिस पार्टी के साथ अभद्रता किए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल श्री संजीव कुमार की तहरीर पर वहां पर इनके विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक अन्य अभियोग भी वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। दोनों विवेचनाओं में समुचित कार्रवाई शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी।